dear students, good morning. I hope you all are well. Welcome in EVS classes. Today topic flowers. Dear students, हम flowers के बारे में पढ़ेंगे. Flowers क्या होता है? फूल. पर plants पे पर types के flowers होते हैं. Flowers are the most attractive part of a plant. Plants को attractive कौन करता है? Flowers. Flowers make a plants look beautiful. फ्लोवर्स के मतलब फ्लोवर्स मेक्स ए प्लांट्स, फ्लोवर्स बनाता है प्लांट्स लुक ब्यूटीफुल, मतलब कि पौधे को सुंदर बनाता है. फ्लोवर्स आर जनरली कलरफुल एंड ब्राइट. जो फ्लोवर्स होता है मतलब हम देखते हैं ना कलरफुल होता है बेटा, वो ब्राइटली होता है, मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है. सम फ्लोवर्स हैव वेरी नाइस फ्रेगरेंस. कुछ फूल होते हैं उनकी मतलब सुगंध बहुत, खुशबू बहुत अच्छी होती है. फ्रेगरेंस मीन क्या होता है? खुशबू. फ्लोवर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स. फ्लोवर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स यानी कि फूलों से कलियाँ निकलती हैं. हम देखते हैं ना फूलों में कलियाँ होती है, बिल्कुल बारीकी होती है, बर्ड्स में होता है बेटा कलियाँ. फ्लोवर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. फ्लोवर्स के अंदर फ्रूट्स भी ग्रो होते हैं एंड देन प्रोड्यूस सीड्स. वे अपने बीज को प्रोड्यूस करते हैं टू ग्रो न्यू प्लांट्स. फिर क्या बनाते हैं? एक नया पौधा. तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो फ्लोवर्स होते हैं वो मोस्ट अट्रैक्टिव करते हैं प्लांट्स को. उसके बावजूद ब्यूटीफुल प्लांट्स लुक ब्यूटीफुल, हमें पौधा सुंदर दिखाई देता है. हम अपने स्कूल कैंपस में देखते हैं, हम अपनी पिक्स में भी देखते हैं, जैसे सनफ्लावर्स होता है वो बिल्कुल वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स होता है. सम फ्लावर्स हैव वेरी नाइस फ्रेगरेंस. हम मतलब कि कोई भी फ्लावर्स होता है उसकी फ्रेगरेंस से भी शो कर सकते हैं, कि उसका फ्रेगरेंस से भी उस फ्लावर्स का नेम्स दे सकते हैं. फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स. फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स एंड देन प्रोड्यूस सीड्स टू ग्रो न्यू प्लांट्स. तो इस तरह से हमने बेटा चैप्टर्स को कंप्लीट किया, लीव्स एंड फ्लावर्स. पहले हमने लीव्स के बारे में पढ़ा, जब हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा. थैंक्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स.